हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हीना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोस में लेके आ रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे एंड आप इजीली उन वीडियोस के ऊपर जैसे ही नोटिफिकेशन आए आके देख लो। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप तक आपने ये दो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आज ही आज जाके ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट थिंग आपको बताया है कि आपको कैसे सेल्फ स्टडी करनी है और सेल्फ इवैल्यूएशन किस तरीके से करनी है। उसके अलावा जो दूसरी वीडियो है जहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे उनके डाउट्स को कंसिडर करते हुए आपको बताया है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है आपके NTA नेट एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये हमारे MCQ सीरीज़ है पेपर वन का। जैसे कि आपको पता है, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे वी हैव पेपर वन MCQ सीरीज एंड ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज पेपर टू MCQ सीरीज। सो इसके अलावा अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लेना। सो ये मेरे बारे में है, ये मैं हूँ यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो हेड ज़रूर डेडिकेट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQ सीरीज़ के साथ में। पेपर वन के MCQ सीरीज़ है, डेली 9 PM लाइव रहती है तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आप खुद से 9 PM आ जाओ। 10 क्वेश्चंस होते हैं, हार्डली 10 to 12 मिनट्स आपके लेंगे। अटेम्प्ट करो, कितना स्कोर करते हो कमेंट बॉक्स में कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एजर्शन कह रहा है टीचर कम्युनिकेशन इज अ सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। सो टीचिंग का जो कम्युनिकेशन है वो सेंट्रल रहता है क्लासरूम के मैनेजमेंट तक। रीज़न कह रहा है कि टीचर के जो कम्युनिकेशन है, उनके बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये यूज़ नहीं करना चाहिए, टीचर के जो बिहेवियर है उन्हें क्लासरूम को रेगुलेट करने के लिए, उसके स्टूडेंट्स के बिहेवियर के लिए। सो ऑप्शंस देखते हैं, assertion, reason दोनों ही करेक्ट है और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन बी कह रहा है ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों के दोनों ट्रू है और ऑप्शन डी कह रहा है ए फॉल्स है बट आर आपका ट्रू है। सो 5 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं आंसर आपको शो करने वाली हूँ। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, जहाँ पे बोला गया है कि आपका जो assertion है वो तो करेक्ट है बट रीज़न करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉट वाला वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो इसमें से नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो अगर आप ध्यान से, अगर आप आज की वीडियो अगर आपने देखी है, जो कि मैंने अराउंड आधे घंटे की वो वीडियो है, मैंने आपको पूरा प्रोबेबिलिटी के अंदर सैम्पलिंग जो है वो मैंने अच्छे से करवा लिखा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ हाफ एन आवर निकल के वो वीडियो ज़रूर देख लेना, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। सो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल रैंडम और क्लस्टर, ये सब आपके रैंडम सैम्पलिंग में आता है। कोटा सैम्पलिंग जो है ये आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेस। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक रिसर्चर क्या यूज़ करता है? टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट या फैक्टोरियल टेस्ट। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर यूज़ करता है वो है चाय स्क्वायर टेस्ट। इसका दूसरा नाम है गुडनेस ऑफ फिट भी इसे कहा जाता है और ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, assertion कह रहा है कि अर्थवॉर्म्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। अर्थवॉर्म जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं और रीज़न कह रहा है कि अर्थवॉर्म्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में और मिट्टी को एकदम सॉफ्ट बना देते हैं। सो देखो, अगर मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, मिट्टी फर्टाइल होगी, तभी आप एग्रीकल्चर वहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं देख के ही पता चल रहा है कि assertion जो है यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि अर्थवॉर्म्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। सो assertion आपका रॉन्ग है, इट मीन्स ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, जहाँ पे assertion इनकरेक्ट है और रीज़न जो है वो आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग टू द यूज़ ऑफ एडुसेट, वेब बेस्ड लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव।
सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सभी के सभी चीज़ें यूज़ करती है, इंक्लूड करती है, आई मीन ऑनलाइन लर्निंग भी इंक्लूड करती है, वेब बेस्ड लर्निंग भी, और एडुसेट एडुकेशन सैटेलाइट के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बिन डेवलप्ड बाई IIT कानपुर. सो इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है. ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी ई ज्ञान, ऑप्शन सी ई सरस्वती, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो IIT कानपुर के द्वारा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है वो है बृहस्पति. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17. CBT स्टैंड फॉर. सो CBT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट है, या ऑल ऑफ द अबव है. सो CBT का फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट में आंसर बताना है, मैं आंसर बोल रही हूँ. उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. फॉरट्रेन इज द एक्रोनियम फॉर. सो फॉरट्रेन जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, या फ्लॉपी ट्रांसलेशन है. अभी आप में से बहुत सारे जन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, पर मैं बता देती हूँ फॉरट्रेन जो है ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंबल. सो जो हेक्साडेसिमल जिसके अंदर हमें पता है 16 नंबर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. सो आपको बताना है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है. 0 से 7 और बाद में AF, 0 से 9 तक, और फिर बाद में A से F तक अल्फ़ाबेट आते हैं. मतलब हेक्साडेसिमल के अंदर आपके नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और अल्फ़ाबेट भी, क्योंकि 16 तक ये जाते हैं, ठीक है. और अगर मैं ऑक्टल की बात करूँ तो वो 8. सो चलिए आपको आंसर बताना है कमेंट में. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 0 से लेके 9 तक नंबर्स रहते हैं, फिर A से लेके F तक अल्फ़ाबेट रहता है. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB इज इक्वल टू. अगर आपके पास में चार्ट नहीं है और अगर आपको आइडिया नहीं है तो मुझे कहना, इसके ऊपर एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं बहुत बार. सो ये आप एक्चुअली टाइपिंग करने के टाइम पे यहाँ पे ऊपर लिखने को मुझे पता नहीं कैसे लिखते हैं वो, तो इसलिए मैंने ये स्पेस दे के लिख रखा है. बट आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2:30 है, ठीक है. सो 1 GB इज इक्वल टू वॉट. ओके सॉरी, मैंने आंसर बता दिया है क्या? ओके आगे पीछे हो गया है, ठीक है, चलो कोई नहीं. सो 230 bytes. सो 1 GB इज इक्वल टू वॉट? 230 bytes. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो वी हैव कम्प्लीटेड 10 क्वेश्चंस. सो आउट ऑफ 10 हाउ मच आर यू स्कोरिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आते ही वीडियो को लाइक कर देना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप कर लेना, ताकि मैक्सिमम पीपल यहाँ पे आ सके एंड वो बेनिफिट ले सके इन फ्री MCQ सीरीज़ का, जो कि paper 1 एंड paper 2 कॉमर्स के लिए मैं आपके लिए लेके आती हूँ यहाँ पे. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग.